कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो आदमी के लिए उम्र का पड़ाव महत्व नहीं रखता। ऐसा ही उदाहरण शाहपुर उपमंडल के प्रीतम नगर के 82 वर्षीय निवासी सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी एवं विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत कर्नल जयसिंह ने प्रस्तुत किया। भारतीय सेना से वर्ष 1990 में कर्नल पद से सेवानिवृत्त जयसिंह का सपना था कि सेवानिवृत्ति के उपरांत वे एक सुंदर सा बोटेनिकल गार्डन तैयार कर बाकी जिंदगी अपने उस बगीचे को निहार कर आराम से गुजारेंगे। उन्हें लगता था कि उनके पास ना तो पैसों की कमी है, ना ही ऐशो आराम की और ना ही अन्य वस्तुओं की। इसके साथ साथ उनके मन में भी ये इच्छा थी कि वे अपने क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ ऐसा करें जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो पाए। इसी इच्छा के चलते उन्होंने बोटेनिकल गार्डन के स्थान पर फलों का बगीचा लगाने के बारे में सोचा। प्रदेश सरकार की विभिन्न उपदान योजनाओं ने जयसिंह का हौसला बढ़ाया। केबी की तैयारी में लगभग 4 लाख रुपए खर्च हुए, जिस पर सरकार की ओर से 80,000 रुपए उपदान के रूप में वापस मिल गए। बगीचा तैयार करने में प्रदेश सरकार के उद्यान विभाग का पूर्ण सहयोग तथा मार्गदर्शन समय पर उन्हें मिलता रहा। 2 वर्ष की अल्पावधि में ही कर्नल साहब के बगीचे में कीवी ने फल देना आरंभ कर दिए। पूरा बगीचा कीवी फलों से लदा पड़ा है, जिसे देखकर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि जिला के इन क्षेत्र में कीवी की इतनी अच्छी फसल हो सकती है। संजय गुप्ता ने किसानों से पारंपरिक खेती तथा आम, लीची, नींबू, संतरा इत्यादि के स्थान पर कीवी फल की खेती करने की सलाह दी। उन्होंने किसान बागवानों से कर्नल जयसिंह से प्रेरणा लेने को भी कहा और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए अपने जीवन स्तर को उन्नत करने का आह्वान किया। मैं कर्नल जयसिंह VSM विशिष्ट सेवा मेडल प्रीतम नगर का निवासी हूं। मैंने 3 साल पहले जब देखा कि मेरे बगीचे में आम और लीची ज्यादा कामयाब नहीं है, तो मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से साथ डिस्कस करके कीवी को लगाने की प्लान किया। उसमें मैंने 2 आदमी को रेगुलर वेतन पे भी एम्प्लॉय किया था और उसमें मैंने 50 पौधे लगाए थे, जिसमें मेरे को 80,000 की सब्सिडी भी मिली थी और 4 लाख रुपए मैंने इस पे ख़त्म किया है। अभी 2.5 साल के बाद मेरा बगीचा बिल्कुल तैयार हो गया है और इसमें कीवी काफ़ी मात्रा में अच्छी तंदुरुस्त कीवी लग गए हैं। इसलिए मैं सब युवाओं को और अपने किसानों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो कीवी की फसल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आम और लीची के पैसा ज्यादा नहीं बनता है, इसलिए शायद कीवी के ऊपर अच्छा तवज्जो देके उसको प्रोत्साहन करके लगाएं सब।